सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। जी हां, तस्वीरों में आप जिन्हें देख रहे हैं ये कोई आम नहीं बल्कि साधु बनकर 2.5 लाख की ठगी करने वाले दो शातिर अपराधी हैं जिनको श्रावस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि क्राइम ब्रांच और सोनवा पुलिस की संयुक्त टीम को सोमवार को बड़ी सफलता मिली। टीम ने साधु बनकर ठगी करने वाले दो ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बताते चले कि क्राइम ब्रांच और सोनवा पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को दुबकला तिराहे के पास से दो शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीतल व तांबे के बर्तन व 3,000 रुपये नकद बरामद किए। आरोपियों की पहचान मेराज पुत्र मंसूर निवासी ग्राम जोगी पुरवा थाना पघरपुर व याकूब पुत्र अयूब निवासी ग्राम टेपरी थाना फगरपुर जनपद बहराइच के रूप में हुई। दोनों आरोपी एक शातिर ठग है और गैर समुदाय का होकर भी साधु की वेशभूषा में लोगों से ठगी करते थे। जनवरी महीने में दोनों ने श्रावस्ती के एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए की ठगी भंडारे के नाम पर की थी। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बताया कि सोनवा थाना के क्षेत्र के ठेगराना निवासी ओमकार नाथ पुत्र राम निवास ने 23 जनवरी को थाना सोनवा पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान शिकायती पत्र दिया था, जिसमें ओमकार नाथ ने बताया था कि उसका एक भाई सत्य प्रकाश विगत कई वर्षों से गायब है। 15 दिसंबर 2022 को 3 लोग साधु की वेशभूषा में उसके घर भिक्षा लेने आए थे। उसमें से एक व्यक्ति ने खुद को उसका भाई बताया और माँ कालेश्वर मंदिर उज्जैन में मध्य प्रदेश में गुरु से शिक्षा लेकर रहने की बात कही। साथ ही कहा कि 989 महात्माओं को भोजन कराने के लिए भंडारा कराना है, जिनमें से 3 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं। आप ये रुपए दे दीजिए और मुझे वहां से छुड़वा लीजिए। शिकायतकर्ता के अनुसार 12 जनवरी को उसने बहराइच में 2,50,000 रुपए दे दिए, लेकिन जब वो वहां भंडारे के दिन उज्जैन पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। साथ ही तीनों ने अपने मोबाइल बंद कर लिए। ESP के निर्देश पर सोनवा में मामला दर्ज कराया गया और सोनवा पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया। सोमवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ये 23 जनवरी को जन सुनवाई के दौरान मेरे पास एक व्यक्ति आए थे। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था कि 3 आदमी आए उनके घर में और जो कि साधु संन्यासी की भेष में थे और उनसे जो है पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करके ले गए। इसमें SOG टीम को और थाने की टीमों को लगाया गया, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अभी एक की गिरफ्तारी होनी बाकी है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो मिराज हैं और याकूब हैं। दोनों बहराइच के, एक बहराइच के रहने वाला है, दोनों ही बहराइच के रहने वाले हैं। ये दोनों मुसलमान हैं और मुसलमान होने के बावजूद भी ये लोग जो है साधु सन्यासी का भेष धारण करते हैं और ठगी करते हैं। इनके खिलाफ बहराइच में, बाराबंकी में और हमारे यहाँ गिलौला थाने में भी मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार का एक मुकदमा सिरसिया थाने में भी 1-2 दिन पहले दर्ज हुआ है। उसको अभी वर्कआउट करना बाकी है। इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।